For class today I will explain you unit 4 topic 3 planets third question answer question number 1 why shadows are shortest at midday दोपहर के वक्त शेडोज जो हैं वो छोटे क्यों होते हैं आंसर शेडोज आर शॉर्टेस्ट एट मिड डे बिकॉज द सन इज़ एट इट्स हाईएस्ट इन द स्काई सूरज जो है वो आसमान पर अपनी ऊंचाई पर होता है एक्चुअली अर्थ जो होती है वो सूरज के बिल्कुल सामने जब आ जाती है तो जो हमारे शेडोज हैं मिड डे में वो छोटे बनते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि सन जो है वो मूव नहीं करता है सन अपनी जगह पे खड़ा रहता है अर्थ जो है वो इसके लिए जो है वो रिवॉल्व करती है एक्साइज में एक चक्कर लगाती है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अर्थ पर हम टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर को उस काइंड ऑफ चीज़ को जो है वो इन्जॉय करते हैं अर्थ जो है वो जब सन के बिल्कुल सामने है या करीब है या जो है वो सेंटर में है तो उसके सन के अकॉर्डिंग जो है वो साए भी बनते हैं नंबर 2 क्वेश्चन वेयर आर द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड दुनिया की सबसे गर्म जगह कहाँ है द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड आर अराउंड द इक्वेटर अराउंड द इक्वेटर जो भी जो प्लेसेस हैं वो दुनिया की वो बहुत ज़्यादा गर्म है क्वेश्चन 3 व्हाई ब्यूटीफुल सनसेट अगर ब्यूटीफुल सनसेट जो आप सूरज का ग्रुप होना है वो इतना ब्यूटीफुल किस तरह से होता है तो आंसर है बिकॉज सम ऑफ द सन रेज आर स्कैटर्ड बाय द डस्ट सूरज की जो शुआएँ हैं वो बिखर जाती हैं डस्ट की वजह से एंड वाटर ड्रोपलेट्स इन द एयर और हवा में जो पानी के कतरे होते हैं उनकी वजह से बिखर जाती है इससे सन जो है वो हमें ऐसा लगता है कि सन जो है वो डूब गया है हालांकि मैंने आपको बताया कि सन जो है वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है और वो जो है मूव नहीं करता है बल्कि अर्थ जो है वो मूव करती है सारे उसके दिन मूव कर रहे हैं क्वेश्चन 4 व्हाई सीजन्स आर चेंज सीजन्स कैसे चेंज होते हैं आंसर सीजन चेंज बिकॉज सम प्लेसेस रिसीव मोर लाइट एंड नीड फ्रॉम द सन एट सम टाइम्स ऑफ द ईयर देन अदर तो सीजन्स भी हमारे इसी तरह से हमारे मौसम तब्दील होते हैं कि उनके जो है वो जब अर्थ मूव करती है सूरज के लिए तो वो फिर जब मूवमेंट के दौरान बाजू का जो है वो सन एंड डायरेक्ट सन की जो हीट है और लाइट जो है वो जब अर्थ पर नहीं पहुंच पाती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ज़मीन पर मौसम भी हो जाता है जैसे सर्दी गर्मी बहार फिजा तो ये डिपेंड करता है कि अर्थ जो है वो सम प्लेसेस जो हैं वो जो लाइट रिसीव कर रही हैं हीट रिसीव कर रही हैं सन से तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी लाइट और हीट जो है वो ज़मीन पर पड़ती है और उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो आप स्प्रिंग समर ऑटम और विंटर मौसम को इंजॉय करते हैं